हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने। हेलो दोस्तों, तो मैं आज अपने लाइफ का पहला मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि मैं मोटो ब्लॉग करूँ, और फाइनली आज भोलेनाथ की कृपा से मैं ये करने में सक्षम हूँ। तो अभी मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ अपने आईफोन 13 से, और रिकॉर्डिंग के लिए आईफोन 13 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। साथ में मैंने एक हेलमेट माउंट किया है, और हेलमेट जो है जो रॉयल एनफील्ड के साथ आता है, वो हेलमेट में नीचे में लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने पापा का हेलमेट चोरी कर लिया है। और चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग प्लीज़ बताते रहिएगा, क्योंकि आप लोग तो देखते रहते हैं मोटो ब्लॉग, तो प्लीज़ बताते रहिएगा कैसे उस चीज़ों को सही किया जाए, और क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ। अभी तत्काल बजट मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो पेट्रोल पंप जाया जाएगा, पेट्रोल डलवाया जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से देखा जाएगा कि आगे क्या कर सकते हैं और कहाँ जाते हैं। भाई ये अभी स्कूल बस पे बच्चे हैं, वो देख रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो बच्चे देख रहे हैं। अगर आप लोगों की कृपा हुई तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। और तो पेट्रोल पंप आ गया है, यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो पेट्रोल डलवा लिया है, और आगे देखा जाए क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, कैसे वीडियो ब्लॉग्स बनाया जाए। तो पहले तो मैं अभी चेक करूंगा कि इतनी देर जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ दिक्कतें हों। और यार मेरे शहर में ना जाम बहुत रहता है। चलो अच्छी बात यह है कि लोग घूम घूम के देख रहे हैं, तो मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, और साथ साथ ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। ऑडियो जो है मैं आईफोन के ईयरफोन से यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है, बस नॉर्मल जो ईयरफोन होते हैं वायर्ड वाले आईफोन के, एप्पल के, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी मैंने कोई माइक मंगवाया नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिनिमम जितने से कम में हो उतने बजट में मैं स्टार्ट कर सकूँ ब्लॉगिंग, और ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ मतलब ब्लॉगिंग करने में कितना खर्चा आता है, और कौन कौन स्टार्ट कर सकता है, कौन कौन नहीं स्टार्ट कर सकता है। ये कचहरी रोड है, यहाँ पे कोर्ट है, और यह दरभंगा का जिला कोर्ट है, जो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सब इसी एरिया में रहते हैं। ये देखिए व्यवहार न्यायालय,
पता नहीं क्या होता है व्यवहार न्यायालय, अगर आप लोगों को पता है कि व्यवहार न्यायालय क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। गजब हाल है। ये जिलाधिकारी का आवास है यहाँ पे। ये जो एरिया, ये बहुत पॉश एरिया है। जितने भी दरभंगा के गवर्नमेंट बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं लाइक जज, डीएम, एसपी, डीएसपी, वो सारे इसी एरिया में रहते हैं, इसीलिए इस एरिया में आपको शांति ज़्यादा दिख रही होगी। और पुलिस की रेकी भी होती रहती है यहाँ पे। ये विकास भवन है दरभंगा का। ये जिला अतिथि गृह है। ये लहरियासराय स्टेशन है, यहाँ से राइट लहरियासराय स्टेशन जाते हैं। तो मैंने वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी चेक करी। वीडियो की क्वालिटी तो डिसेंट आ रही थी, बट ऑडियो की क्वालिटी में हवा का प्रेशर ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने अभी अपने ईयरफोन के माइक का पोजीशनिंग चेंज किया ताकि कोशिश कर सकूं कि जो हवा का विंड फ्लो है वो कम हो और आप लोगों को फ्रेश आवाज़ मेरी सुनाई पड़े। तो चलिए अब आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए अब वापस घर चला जाए और घर जाके वीडियो एडिट करके आप लोगों को दिखाया जाए कि कैसा आया है दोनों एक्सपेरिमेंट। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ जुगाड़ करके माइक का यूज़ करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं माइक का यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया ऑडियो क्वालिटी दे सकूँ। वीडियो क्वालिटी में तो नो डाउट आईफोन से बढ़िया तो क्या ही कोई रिकॉर्ड करेगा, अगर जब तक गोप्रो ना हो। लाइक मैं आईफोन को गोप्रो से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी उतना बजट नहीं है और ये सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से खरीदी है। मैं जॉब करता हूँ एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बेंगलोर की। बेंगलोर में मेरा ऑफिस है और एमएनसी है, तो नाइट शिफ्ट मेरा चलता है। और ये टावर चौक है, लहरियासराय टावर चौक। तो मेरे हिसाब से तो अब माइक में कोई विंड ब्लो नहीं आना चाहिए और आवाज़ क्लियर आना चाहिए, तो घर की तरफ चला जाए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को बढ़िया लगे। मैं बहुत टाइम से मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली मैं सोच रहा था, बट ड्यू टू सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं पॉसिबल था। मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे पास एक बढ़िया कैमरा फ़ोन नहीं था। तो मैंने अभी 2 साल पहले बुलेट ख़रीदा है ये बाइक। जब मैं पैंडेमिक में घर आया था, कोरोना में ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं घर आया, फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी मुझे, तो मैंने एक बाइक ख़रीद ली और पापा मान गए। पहले तो पापा कह रहे थे कि कोई हल्की बाइक लेने को, लेकिन मुझे तो चाहिए थी तो बुलेट ही। फिर एक्चुअली मैं चाह रहा था स्टैंडर्ड बुलेट लेना, लेकिन पापा बोले नहीं, स्टैंडर्ड में सेल्फ नहीं होता है। एक्चुअली वो ना किसी को देख लिए थे किसी दिन, कहीं पानी में गिरे हुए, और किसी कोई आदमी पानी में पलट गया हुआ था, तो वो बोले कि यार उसे उठ तो रहा नहीं था, तो बहुत भारी बाइक होती है, बुलेट मत लो। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं, अगर आप चलाइएगा तो सेल्फ वाला मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रा। फिर मैंने इलेक्ट्रा लिया और ये जो बाइक की कलर है ये पापा की पसंद की है, लेकिन हाँ पापा आज तक कभी नहीं चलाए हैं। एक दिन मेरे साथ चौक पर गए थे दूध लाने के लिए, बस मुश्किल से 200 मीटर चलाए होंगे, उसके बाद वो नहीं चलाए आज तक।
इवन कभी मैं बोलता हूँ अरे चला भी लिए, कहते हैं कि तुमको हल्का बाइक लेने बोले थे तो तुम तो लिए नहीं, तुम भारी बाइक ले लिए, हम नहीं चलाएंगे। बट कोई नहीं, हम तो चला रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात एक तो मेरे अपने पैसों की है और दूसरा मेरा मनपसंद बाइक है, लाइक मेरा ड्रीम बाइक है बुलेट। इसके बाद मुझे अभी ना मेट्योर, अभी मुझे सुपर मेट्योर बहुत पसंद आ रहा है, अगर भोले की कृपा रही तो सुपर मेट्योर लूँगा एक न एक दिन। मैं सोच रहा हूँ कि एस जे कैम ले लूँ, एस जे कैम मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 2-3 महीने में मैं उसके पैसे चुका दूँगा। हैट्स ऑफ टू मोटो ब्लॉगर जो पूरा कवर्ड हेलमेट यूज़ करते हैं और ताकि वॉइस नॉइज ना आए, और अभी गर्मी का टाइम स्टार्ट हो गया है तो यार इतनी गर्मी लग रही है मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लोग यूज़ करते हैं। बट कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मैं खोने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए। तो मैं ये कह रहा था अगर इस वीडियो पे 1000+ लाइक चले गए तो मैं किसी एक सब्सक्राइबर को, अगर नीचे कमेंट सेक्शन में अगर 100 कमेंट आ गए तो मैं उन कमेंट में से किसी एक आदमी को ये जो चिन माउंट है ये मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, गिव अवे दे दूँगा, ताकि आप लोगों में से कोई एक, कोई भी आदमी जो चाहे वो अपना मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस मोटो ब्लॉगिंग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मैं अपने घर आ गया हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगर तब तक सब कुछ सही रहा और मैं ज़िंदा रहा तो।